गुलाब जी भाई साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतपाल जी और राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश जी मेघवाल और सांसद अर्जुन जी, प्रदेश उपाध्यक्ष ओंकार सिंह जी लाखावत, पूर्व मंत्री रामगरण जी डूडी और अभिषेक जी मटोरिया जो विधायक है, अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री सलामत खान साहब, हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन फिरोज शाह जी, पूर्व विधायक हरि सिंह जी, पूर्व विधायक मोहन जी मेघवाल और जिला अध्यक्ष मेजर पर्वत सिंह जी और उपस्थित इतनी अच्छी संख्या में सब मेरी बेटी माताएं बहने, सबसे पहले मैं आपको सबको प्रणाम करना चाहूंगी। आप लोगों ने आज इस गर्मी में इस उमस के अंदर यहाँ आके बैठ के हमारा जो हौसला अफजाई की है उसके लिए मैं आपकी बार बार हृदय से आभारी हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ माता बहने कि आपने परिश्रम करके यहाँ आके बैठ के हमारे हौसला अफजाई की। आगे पीछे सब बैठे हुए सब हमारे बुजुर्ग, सब हमारे भाई, आज आप लोगों को भी मैं हाथ जोड़ के सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी और इतनी जोरदार तादाद के अंदर सब लोगों ने आके, कुछ तो गर्मी में खड़े होके, कुछ तो फिर भी छाया में बैठे पर गर्मी में खड़े होके इन्हीं लोगों ने हमारा ये किस तरीके से हौसला अफजाई की है, ऊर्जा दी है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये उतार दो भैया, अननेसेसरी लगा हुआ, इसको उतारो। हेलो श्रवण, आप लोग इसको उतार दो तो मुझे भी देखने को मिलेगा और जो धूप में करे उनको भी देखने को मिलेगा। भाई तू आजकल बड़े अखबारों में चल रहा है, आप लोगों का क्षेत्र आजकल अखबार में काफी आ रहा है और आपके का क्षेत्र क्या पूरा बाड़मेर आजकल अखबारों में आ रहा है और ये तीन दिन से जो मैंने दौरा किया है उस क्षेत्र के अंदर बहुत सारी चीजें मेरे सामने भी उजागर हुई है, मेरे को भी कुछ कुछ बातें समझने को मिली है, बहुत कुछ सुनने को मिला है और इसीलिए मैं भी अपनी आवाज उठाने के लिए पीछे नहीं रुकी हूँ। मैं अभी देख ही रही थी कि बायतू के अंदर तो क्या पूरे बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी का एक बहुत बड़ा चक्कर चल रहा है। मैंने देखा इस रिफाइनरी के लिए तो कई सालों से लोग हमें बता रहे थे कि राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर एक बहुत बड़ी रिफाइनरी आने वाली है क्योंकि हमारे यहाँ अथाह तेल का भंडार है। 1947 से आज तक हम लोगों ने इस भंडार को छुआने, पाकिस्तान वहां अपने तेल के भंडार को निकालने में कोई कमी नहीं छोड़ रही, उन्होंने अपने वहां कुएं भी खोद दिए, वहां से तेल निकालने का काम भी कर दिया, परंतु कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने अपने यहाँ कंपनियां को लाके इस रिफाइनरी की बात को शुरू करके यह काम चालू करने का परिश्रम किया। मैं तो बुनियादी मुद्दे के ऊपर हूँ। मुझे ये बताया गया कि पचपदरा के अंदर सरकारी जोरदार एक बहुत बड़ी जमीन पड़ी हुई थी। अगर सरकारी जमीन पचपदरा में थी तो पहले पचपदरा में क्यों नहीं आप लोगों ने रिफाइनरी लगाने का काम किया? परंतु आप लोगों ने अपने दिमाग के अंदर कोई और बात रखी, इसीलिए बाड़मेर की गरीब जनता के साथ खिलवाड़ करने का सोच था, इसलिए आप लोगों ने चला के सबसे पहले बायतू के अंदर अनाउंसमेंट किया, सेक्शन 4 भी हो गया, सेक्शन 6 भी हो गया और उसके बाद आपने मोइली जी को भी दिल्ली से बुलाया। मोइली जी आए, उनने फीता काटा और सब पूरे बायतू को यह लग गया कि बस यहाँ रिफाइनरी लगने वाली है। परंतु उसके बाद और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था, कुछ मंत्री उनके साथ साथ कुछ और लोग, कुछ कंपनी के लोग, सब लोग मिल मिला के पूरी जमीन को खरीदने की कोशिश कर रहे थे। किसी ने जमीन सस्ती खरीदी, किसी ने किसी गरीब के नाम पे खरीदी, किसी ने किसी कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे खरीदी और खरीद के जोरदार तरीके से पैसा बनाने का धंधा, पूरे तरीके से भ्रष्टाचार का धंधा पूरे दो आपके भाई के चारों ओर करते रहते। आज भी सब लोगों को मालूम।
किन्हीं किन्हीं ने तो बेच दिया, किन्हीं किन्हीं ने लेके अभी भी बैठे हुए हैं। सब लोगों को मालूम है कि कौन क्या कर रहा है, किसी से छिपी हुई बात नहीं है। अब यहाँ से गई रिफाइनरी पचपदरा, अब पचपदरा के अंदर इसी तरीके से 6 महीने पहले से, कैसे मालूम था लोगों को कि 6 महीने पहले से लोगों ने जमीन खरीदना शुरू किया, वो भी SC के नाम पे, वो भी कई बाहर के लोगों के नाम पे, वो भी मंत्रियों ने अपने अपने लोगों के द्वारा उनको खरीदना शुरू कर दिया और खरीद के पूरे पचपदरा के चारों ओर जमीन का खरीदने का बहुत बड़ा धंधा चालू कर दिया। अरे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये कैसे लोग हैं, कैसी सरकार है जिसने इस तरीके से काम के ऊपर ध्यान न देते हुए खाली धंधे के ऊपर ध्यान दिया और धंधे से पूरे बाड़मेर को खराब करने की और गत में पहुंचाने का काम करने की कोशिश की। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज फैक्ट्री लग रही है, चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को फैक्ट्री मिल जाएगी, हो सकता है कि काम भी मिल जाएगा, पर ये कौन से काम है जब तेल भी अपना, जमीन भी अपनी, पैसा भी अपना। जब भी आपको रिफाइनरी कहीं भी लगी है तो उस रिफाइनरी के पीछे दिल्ली की सरकार का पैसा होता है, जयपुर की सरकार या किसी भी प्रदेश की सरकार का पैसा नहीं होता है, भटिंडा के अंदर, बड़ौदा के अंदर उनके नहीं परंतु दिल्ली की सरकार के पैसे लगे। ये क्यों कि राजस्थान अकेले के अंदर ही यहाँ राजस्थान की सरकार के पैसे लग रहे हैं, लग रहे हैं। यह आप लोगों को मालूम है क्या, हम लोगों को मालूम है कि उनको पैसे लगाने के लिए कहा गया है? तो अगर पैसे हमारे, तेल भी हमारा, जमीन भी हमारी और फैक्ट्री किसी और की, ये कौन से घाटे का सौदा करके रखा है सरकार ने? फैक्ट्री किसी और की, 25% उसके अंदर, 60,000 करोड़ हमारा, तेल पूरा हमारा, जमीन पूरी हमारी, और मुझे ये बताया जा रहा है कि जहाँ 8,000 बीघा उसको 9, 10, 11 और 12,000 बीघा कर दिया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि इतना जोर का धंधा हो रहा है और फैक्ट्री के नाम पे पूरे के पूरे लूट खसोट मचा दी है। और अभी मैं अखबार पढ़ रही थी आज सुबह, मुख्यमंत्री कहते हैं कि इनको कुछ नहीं मालूम, वो कहते हैं कि कौन सा मंत्री है लिप्त धंधों में, हमें बता दो, हमें नहीं मालूम, और जो भी वो मंत्री है उसके ऊपर मैं तुरंत ही एक्शन लूंगा। अरे मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब पूरी जनता को मालूम है कि कौन कौन लोग उसके अंदर लिप्त है, उनको सिर्फ अपने मंत्रियों की बात करने की, बाड़मेर में आ जाए और बाड़मेर के लोगों से बात कर ले और बाड़मेर के लोगों से बात करके पता कर ले कि कौन कौन इन धंधों के अंदर लिप्त है, और ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। ये बाड़मेर की जनता के साथ जो कर रहे हैं ये सरासर भ्रष्टाचार है, और इस भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम हम सबके तो साथ में होगा ही होगा, परंतु उनका भी है। कौन सा मुख्यमंत्री है जो कहता है, रोज अखबार पढ़ता है, रोज बातें अपने अखबार में करता है और वो कह रहा है कि उसको मालूम नहीं? अखबार कितने दिन से लिख रहे हैं कि कैसा कैसा धंधा यहाँ हो रहा है, उसको ये नहीं मालूम? रॉबर्ट वाड्रा नाम का व्यक्ति यहाँ आया, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, उसने 10,000 बीघा खरीदा है। ये सोनिया गांधी का आप लोग सब जानते हो दामाद है, उसने पूरे बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर की जमीन को लिया है, कहीं नहीं छोड़ा है, 10,000 बीघा लेके। और मुख्यमंत्री कहता है कि रॉबर्ट वाड्रा कौन है, उसकी हिम्मत की वो नहीं जाने कि रॉबर्ट वाड्रा कौन है, सब लोग जानते हैं, और रॉबर्ट वाड्रा कौन है पूछता है, और रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन ली ये हमें नहीं मालूम। तो अखबार के अंदर ये रोज जो आ रहा है, जो सबको मालूम है, जो सब लोग जानते हैं क्षेत्र के अंदर, और ये मुख्यमंत्री अगर नहीं जानता है तो मैं ये पूछना चाहती हूँ उसको उस कुर्सी पर बैठने का कोई हक है? कितना जोरदार भ्रष्टाचार। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि गांधीवादी बनके सफेद कपड़े पहन के ये कोई नहीं छिप सकता, ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं मालूम, मैं जानता नहीं हूँ, मैं समझता नहीं हूँ। जिस व्यक्ति ने इस पर राज को चलाने का काम किया है उस व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, इस जनता को जवाब देना पड़ेगा, और अगर वो नहीं देता है तो वो कुर्सी पे जनता बैठने नहीं देगी। ये भी आप लोग सबको मालूम है और हम लोग सब मिलके ये करने वाले हैं। आए तो 4 महीने बाद आए तो सही, मैंने कहा भैया आ जाओ, टाइम निकल जाएगा, सबको मालूम पड़ेगा क्या हो रहा है क्षेत्र के अंदर, कोई छिपने वाला नहीं है। ये तो जमीन के धंधे हो गए, और एक तरफ जाओ माता बहने हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, आपने पढ़ा पेपर में बिहार के अंदर 22 बच्चे मर गए, हमारे बच्चों के साथ
इस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। पहले तो टीचर नहीं है स्कूल के अंदर, पढ़ाने वाला कोई नहीं है, और आज हमारे बच्चों को इस तरीके का खाना दिया जा रहा है जो नारकीय खाना, ऐसा खाना जो मैं समझती हूँ कि कोई जानवर भी नहीं खाएगा, इस तरीके का खाना उसको मिल रहा है। कभी उसमें कीड़ा है, कभी उसमें चूहा है, कभी उसमें छिपकली है। ये तो मैं समझती हूँ गनीमत है कि हमारे बच्चे अभी भी जिंदा है, तो बिहार जैसी स्थिति हमारे राजस्थान के अंदर नहीं हुई है। वो तो आपने टेलीविजन देखा होगा और सबने देखा कि उदयपुर के अंदर और बाड़मेर के अंदर, एक स्कूल तो बाड़मेर के अंदर है, बाड़मेर के अंदर भी ये प्रसार चल रही है। अरे मैं, मुझे याद है जब मुख्यमंत्री थी तो सबसे पहले बच्चों के भोजन के ऊपर ध्यान दे थी। हमने चला के कहा कि खाली उबला हुआ मैंने क्या बोलते गेहूं नहीं दिया जाएगा। हमने उन लोगों को सबको ही कहा कि हम पूरी तरह से चलेंगे लगेंगे और अच्छा भोजन बच्चों को देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में आ जाए और ज्यादा से ज्यादा तंदुरुस्त बन जाए। आज बिल्कुल उल्टा मामला चल रहा है। एक तरफ तो आपने पूरे बाड़मेर को खत्म करने का काम कर दिया और दूसरे मौके में हमारा जो आगे आने वाला भविष्य है उसके साथ भी खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। ये कहां तक जाएंगे और कैसे लोग हैं, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। मैं आप लोगों के क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा जो बड़ी समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी की। क्या ये सही है? क्या ये सही है? कांग्रेस की सरकार चली आ रही है कितने दिन से, और भाई तू शहर में ही भीमला स्कीम के हर तीसरे दिन ही पेयजल सप्लाई हो रहा है शहर के अंदर। भाई तू में खाली आपके लोग 7 दिन, मेरे पास क्या 3 दिन, क्या है 7 दिन है कि 3 दिन? 7 दिन में पानी आ रहा है। और इसी समय मैं कह रहा हूँ कि मैंने 3 योजनाएं आप लोगों के लिए स्वीकृत की थी। इसमें सबसे पहले बाड़मेर लिफ्ट कनाल की योजना के अंदर 151 गांव आपके पानी में आ जाते, और उसके बाद ये पोखरण फलसूर सिमाना योजना के अंदर 150 गांव आ जाते, और इसी तरीके से उमेश सागर समदड़ी योजना के अंदर आपके 45 गांव आ जाते। तो पूरे जन को पानी पिलाने का काम हम लोगों ने तय किया था, पर सरकार ने उसको काम रोक दिया, और काम रोकने की वजह से अभी तक आप लोगों तक पानी नहीं पहुंचा। मैं पूछना चाहती हूँ भाइयों, मूलभूत सुविधाएं आपको नहीं मिल रही है, ना पानी है, ना आपके क्षेत्र के अंदर अघोषित बिजली की कटौती है, इसलिए बिजली भी नहीं मिल रही है। मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है क्या किसी को? बिजली नहीं मिल रही है। किसानों को मुआवजा मिला? किसी को 1 रुपए किलो गेहूं मिला? डॉक्टर नहीं है, खाली 2 डॉक्टर के भरोसे आपका काम चल रहा है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके इस क्षेत्र के अंदर क्या मुफ्त दवाई और मुफ्त जांच हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ना डॉक्टर ना टीचर, कोई काम नहीं अपने क्षेत्र के अंदर। मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ भाई और बहनों, हमें एक नया राजस्थान बनाना है। हम लोगों को मिलके एक ऐसा राजस्थान बनाना है जिसमें ये सब भ्रष्टाचारियों को अलग करें, जिसके अंदर हम एक ऐसा साफ सुथरा, एक ऐसा राजस्थान जो अपने पैर से खड़ा हो जाए, एक ऐसा राजस्थान जिसके अंदर हमारे बच्चों को नौकरियों का इंतजाम मिल जाए। हमारे बच्चों को हमने 10 लाख नौकरियां दी थी, आज सरकार किसी को नौकरी नहीं दे रही। मैं ये पूछना चाहती हूँ, लाखों बच्चे घूम घूम के आवेदन भर भर के और उनको नौकरी नहीं, किसी को टेट की वजह से, परीक्षा की वजह से खो जाते। मैं सबको कह दिया कि टेट का प्रबंधन अपन ने कर लिया है, और RPSC के द्वारा जैसे पहले किया करते थे वैसे फिर से नौकरियों को देने का इंतजाम हम लोग फिर से करेंगे। आपको मैं ये कह रही हूँ कि जाने से पहले मैंने एक अलग से लाइन आपके लिए निकाली थी घरेलू बिजली की, और घरेलू बिजली आप लोगों को 24 घंटे मिले ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश की थी। हमारी सरकार चली गई, परंतु आने वाले समय के अंदर अपनी सरकार आएगी और 24 घंटे बिजली आपको गांव के अंदर देने का हम लोग काम करेंगे। आपको घरेलू अच्छी तरह से स्वच्छ बिजली आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से जो पानी के आपके 350 गांव जिनके अंदर पानी आ रहा है, स्वच्छ माने पर्याप्त और स्वच्छ पानी आपके गांव तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। जो सड़कें आपकी बननी है और जो जर्जर पड़ी हुई है, आज आप देख सकते हो आगे आगे तो सड़क बन रही है, पीछे पीछे से उखड़ती आ रही है। ये सब लोग जानते हैं, इतना पैसा खर्च हो रहा है और इतना पैसा खाया जा रहा है। अभी मैं कवास से निकली थी तो कवास के लोगों से मैंने पूछा कि बताओ भैया सब कुछ है कि नहीं, उन्होंने कहा साहब ये सब मंत्रियों के साथ
ये सब एमएलएओं के साथ मिल मिल के अधिकारी लोग रिश्वत दे देते हैं और काम पे जाते नहीं है, और हमारा काम इस तरीके से ही पड़ा रह जाता है। ऐसे लोगों का काम रुकवाइए ताकि जो डॉक्टर को आना चाहिए वो आएगा, जो टीचर को आना चाहिए वो आएगा, और रिश्वत दे के अलग अलग नहीं हो जाएगा। ये स्थिति आज का वास्तव मेरे को देखने को मिली। इतनी सारी चीजें चल रही है भाई लोग, ये नया राजस्थान बनाना है तो इसके अंदर हमारे किसान, हमारी माताएं बहने, हमारे सब बुजुर्ग और हमारे भाई जुड़ेंगे, तब ये नया राजस्थान बनेगा। ऐसा राजस्थान जिस राजस्थान के अंदर हम अपने बच्चों को नौकरियों का इंतजाम करेंगे, उनको पलायन करने की जरूरत नहीं होगी, गुजरात इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होगी, कोई नौकरी मिलेगी तो यही मिलेगी और अपने प्रदेश के अंदर मिलेगी। ये स्थिति हम बनाएंगे, हमारे किसान अपने पैर पे खड़े हो, मजबूत हो, सही पे टाइम पे बिजली पानी खाद बीज और सही दाम उनको मिले। आज मुआवजा क्या पाला पड़ जाता है तो मुआवजा नहीं मिलता है, नौकरी कहीं नहीं है। 13,000 करोड़ रुपए का आपके ये मनरेगा के अंदर लोग पैसे खा गए और महिला को कह रहे हैं हम आपको लुगड़ी देंगे, चुनाव आ गया तो आपको लुगड़ी देंगे, लुगड़ी नहीं तो पैसे ले जाओ। और तुम्हारे बच्चे हैं, अगर बच्चे हैं तो एक दो कुर्ता पजामा भी ले जाओ, और भी चाहिए तो एक थाली और दो कटोरी भी ले जाओ, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। और क्या चाहिए, लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप के पैसे ले जाओ, चावल चाहिए, चावल भी ले जाओ, उसके पैसे ले जाओ, हर चीज के लिए पैसा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज आप हमको पेंशन दे रहे हो, ये 4 साल पहले आपको पेंशन क्यों नहीं दिया, क्यों हमको आज सौगात बांटने की कोशिश कर रहे हो? राजस्थान के लोग स्वाभिमानी इज्जतदार लोग हैं और हम सब समझते हैं हम वोट के लिए आप लुभाने की हमें कोशिश कर रहे हो। मैं सब लोगों को कहती हूँ आप ही का पैसा है, गलती मत करना, ये आपके जेब का पैसा है, ये टैक्स वालों का पैसा है, ये पैसा लो, इसमें कमी मत करना, ये सब अपना पैसा लो, नहीं तो ये काले धन में जाके जमा हो जाएगा। इसलिए इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपना पैसा ले लेना, परंतु जब जाओगे उस समय समझ बूझ के अपना इंतजाम करना। यही मैं आप लोग सबको कहने आई हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि अगर हमने तय कर लिया तो 63 साल के बाद राजस्थान को आगे ले जाने का काम हम सबको मिलकर करना है। आप तैयार हो क्या? तैयार हो आप लोग? मैं इसलिए पूछ रही हूँ आप लोग सबसे कि गुजरात के अंदर 15 साल में नरेंद्र मोदी ने कायापलट कर दी, इधर मध्य प्रदेश में 10 साल में कायापलट हो गया, और हमने 65 साल में से आप मेरा समय निकाल लो, आप भैरव सिंह जी का समय निकाल लो, 53 साल पूरे हो गए और हम लोग ऐसे ही गड्ढे में पड़े हुए हैं। क्या भाई और बहनों हम यही बैठे रहेंगे? मैं तो ये कहती हूँ कि राजस्थान इतिहास के अंदर आप पढ़ते हो तो सबसे पहले नंबर का प्रदेश था। फिर से भाई और बहनों हम लोग मिलके हम लोग सब मिलके 36 के 36 कौम और साथ के साथ सब मजहब मिलके एक परिवार के रूप में हम लोग आगे जाएंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम फिर से नंबर एक प्रदेश बन सकते हैं। मन है बनाने का, मन है, अगर मन है बनाने का तो एक छोटा नारा मेरे साथ हम लोग देंगे, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, राजस्थान का नारा देंगे, जय जय राजस्थान, आगे चलो, अभी तरफ बताइए।